हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे। चलो, तो हमारी क्लास चल रही थी एलसीएम एचसीएफ की इस समय पे, और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा कोई कारण था। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे रेगुलर चलेगी। किसी बच्चे ने जो भी पूछा कि सर आपकी क्लास यहाँ नहीं होगी क्या, इस शिक्षा पॉइंट चैनल पर नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। मैंने आपसे वादा किया कि रेगुलर रहेगी और हमेशा रहेगी, ठीक है ना? तो ये मैं कहता हूँ, ये समझ लो कि पक्का है ये। ओके, तो आप बस इस पे देखते रहिए लगातार, और साथ वाले बच्चों को शेयर करते रहिए ताकि उनको भी ये क्लास मिल सके। तो आज हम देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, बहुत ही ईजी है। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को पहले हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर हम आगे उसी के अंदर ट्रिक ढूंढते हैं कि ट्रिक क्या चीज़ है। ट्रिक कुछ नहीं, बस आपको पता है ना जो मैं हर बार बोलता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो, एलसीएम एचसीएफ में चल रहा था, तो हमारे पास एक सवाल आता है घड़ी से रिलेटेड, ठीक है ना? ओके, तो घड़ी से रिलेटेड सवाल कैसे आता है कि जैसे मान लो कि तीन घड़ियां हैं। क्या हैं? तीन घड़ियां हैं, ठीक है? और ये तीन घड़ियां क्रमशः का मतलब सब जानते हो ना, रेस्पेक्टिवली, यानी कि जैसे नंबर दिया गया उसी तरीके से। तीन घड़ियाँ क्रमशः, मान लो कि 4 मिनट, 6 मिनट वह 8 मिनट के गैप से बजती हैं, यानी कि अंतराल से बजती हैं। तो अगर ये प्रातः 7 बजे एक साथ बजी हैं, सुबह मॉर्निंग में क्या हो, सुबह सुबह उठते ही 7 बजे तीन घड़ियां एक साथ बजी हैं, है ना? तो आपको बताना है कि दोबारा ये एक साथ कब बजेंगी, ठीक है ना? तो बहुत से बच्चों को आता है, तुरंत कर भी लिया होगा आपने, अच्छी बात है। लेकिन देखो, जिनको नहीं आता वो समझो, दूसरी बात इसका प्रैक्टिकल समझो। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ को ढंग से पढ़ा है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, करना क्या है एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो देखो, ये तीन घड़ियां हैं, ये बजती हैं। बजती कैसे हैं? मान लो कि इसमें कोई अलार्म लगा रखा है ना, तो वो अलार्म है वो टुन टुन की आवाज़ करता है। तो एक घड़ी है जो ये घड़ी है, और ये 7 बजे बजी थी। दूसरी घड़ी है वो भी कितना बजे? 7 बजे। और तीसरी घड़ी है वो भी कितना बजे? 7 बजे बजी थी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यानी कि तीन घड़ियां हैं ये, और तीन घड़ियों के बारे में बता रखा है कि ये 7 बजे सुबह एक साथ बजी थी। अब बजती कैसे हैं? बोला कोई तो 4-4 मिनट से बजती है, कोई 6-6 मिनट से बजती है, कोई 8-8 मिनट से बजती है, ठीक है? अच्छा जी, ये बात है, तो इसका मतलब पहली घड़ी 4 मिनट से बजती है, दूसरी 6 से, और तीसरी 8 से। तो हम इसका टाइम मैच करेंगे। अभी टाइम मैच करने के बाद में देखेंगे कि आखिर आंसर कैसे आता है। तो देखो, माना कि ये पहली घड़ी है जो 4 मिनट के अंतराल से बजती है, दूसरी 6 मिनट के अंतराल से, तीसरी 8 मिनट के अंतराल से बजती है। तो 4 मिनट वाली देखो कब बजेगी? 7:04 पे। भाई सीधी सी बात है, 7 बजे बजी है, तो दूसरी बार इसका टाइम कब आएगा? 7:04 पे ये बजेगा, है ना? फिर दोबारा कब होगा? 4 मिनट के बाद में 8 मिनट होगा। बात समझ में आ गया? फिर कितना होगा? 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार दूसरी घड़ी देखो, ये कब बजती है? 6 मिनट से। तो ये 7:00, देखो 7 में 7 नहीं लिख रहा, उसके अलावा 6 मिनट, 6 के बाद में 6 × 12, फिर 6 × 3 = 18, फिर 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, और ऐसे आगे 6-6 मिनट के गैप से बजती जाएगी। ये घड़ी 8-8 मिनट के गैप से बजती है, इसलिए इसका जो टाइम है वो है 8 मिनट, 8 × 2 = 16 मिनट, 8 × 3 = 24 मिनट, 8 × 6 = 32 मिनट, और आगे बजती जाएगी। सबको दिखाई दे रहा है? ये मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपके सामने बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये बज रही हैं। तो ध्यान दो कि ये गाड़ी कैसे चल रही है भाई, 4 मिनट से, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट के बाद में इसमें कोई आवाज़ आती है, टन टन, या फिर कोई भी रिंगटोन बजती है, इसमें भी ऐसे बजती है, लेकिन ये अलग अलग गैप से बजती हैं, कोई 4 मिनट से, कोई 6 से, एक साथ बजी हैं। तो पूछा है कि पुनः एक साथ कब बजेगी, इसके बाद दोबारा कब बजेगी? तो अब इसमें टाइम देखते हैं, 4 पर ये है लेकिन कोई सी भी नहीं है, चलो ठीक है, 6 पर ये तो और नहीं है, लेकिन 8 पर देखो आप, यानी कि 7:08 पर ये भी बजेगी, 7:08 पर ये भी, लेकिन उस समय ये नहीं बजी है। दिखाई दे रहा सबको? बहुत अच्छे। फिर आगे चलते हैं, तो 12 पर देखो पहली दूसरी बजी है, लेकिन उस समय क्या हुआ भाई, तीसरी नहीं बजी है, है ना? और आगे चलते हैं तो देखो, ये 16 पर ये बजी है, लेकिन उस समय बीच वाली नहीं बजी है। हम ऐसे चलते जाएंगे और हम देखेंगे कि 24 ऐसा टाइम आया है जिस टाइम पर तीनों ही घड़ियों में जो भी अलार्म लगा रखा था जो भी, लेकिन ये बजी हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? तो तीनों घड़ियां 7 बजे के बाद कब बजी हैं? 24 पर बजी हैं, ठीक है ना? तो ध्यान दो, हम कर क्या रहे हैं,
ये 4 मिनट था तो हमने देखो 4 का पहाड़ा बोला, 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 24, 4 का पहाड़ा। ये 6 था तो 6 का पहाड़ा, ये 8 था तो 8 का पहाड़ा। मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि हम जब भी संख्याओं का पहाड़ा बोलते हैं और उस पहाड़े में आगे चल के कोई संख्या ऐसी आती है जो तीनों के पहाड़े में कॉमन आती है, और जो सबसे पहले आती है, जो सबसे पहले आती है उसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह लोवेस्ट है, मतलब सबसे पहले 24 ही मिला है, 24 से पहले कोई नहीं मिला। कॉमन का मतलब सब में है, मल्टीपल का मतलब अरे जो पहाड़े में संख्या आती है वो क्या होती हैं? मल्टीपल होती हैं। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं आराम से, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के गैप से बचती हैं, इसलिए वो क्या हुआ, इसका टाइम हुआ 7:24 पे। अगर हम और आगे चलाएं ना, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम एक बार मिलता है 24, उसके बाद में एलसीएम का पहाड़ा ही आगे मिलता है, यानी अब आगे क्या मिलेगा, 24 2 48 पे बजेंगे एक साथ, फिर 24 3 72, फिर 24 4 96। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी। तो कहने का मतलब ये 24 24 मिनट के अंतराल से बजती है। हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बस 4 6 8 का एलसीएम ही तो निकालना था, यही तो आपने किया है। एलसीएम कितना है भाई? 24। बस सीधा काम यही करना है, यानी ऐसे सवालों में, घड़ी के सवाल में कि गैप में आपको दिया जाए कि इतने इतने मिनट के अंतराल से बजती हैं तो पुनः एक साथ कब बजेंगी, इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो भी टाइम दिया है, किसका टाइम दिया है, उसका एलसीएम। एक बात और कहूँगा, देखो कुछ बच्चे रटते हैं तो रटने का नहीं, समझो सबसे पहली बात, एलसीएम की एक खास बात है ना, हम जिस चीज़ का एलसीएम निकालते हैं ध्यान रखना वही निकलता है। यानी हमने अगर मिनट का एलसीएम निकाला है ना तो वो टाइम मिनट में आएगा, सेकंड का एलसीएम निकाला है तो वो टाइम सेकंड का ही आएगा, रुपए का एलसीएम निकालोगे तो वो रुपए ही आएगा, जिस चीज़ का एलसीएम निकालोगे वो वही आएगा, संख्या का एलसीएम निकालते हो संख्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ध्यान देना। तो हमने देखो ये 4 मिनट, मिनट लिख रहा हूँ साथ में, 6 मिनट और 8 मिनट का एलसीएम लिया, और वो जो टाइम आया संख्या का तो 4 6 8 का 24 आ गया, लेकिन मिनट भी साथ में था तो मिनट कितना है भाई, 24 आया। इसका मतलब 24 मिनट से ये घड़ियां एक साथ बजती हैं। सबको समझ में आया? अगर 7 बजे बजी हैं, अब देखो दूसरा सवाल इसी में समझ लो सारी बातें, है ना, एक ही सवाल में। अगर 7 बजे घड़ियां एक साथ बजती हैं, इसके बाद पुनः कब बजेंगी, 7:24 पे, यानी 24 मिनट से बजती हैं, फिर और आगे कब बजेंगी, फिर बोला और 24 मिनट लग जाएगा, तो 24:48 पे। आप इसमें आगे और भी लिख के देख सकते हैं अपनी कॉपी में, प्रैक्टिकल करके देखना फिर, ठीक है ना, 24:48, फिर 24:72, ऐसे पूछे कि 7 बजे बजी, इससे पहले कब बजी थी, अरे भाई 24:24 से बजती है तो इसका मतलब इससे 24 मिनट पहले भी ये बजी थी, सीधी सी बात है। तो इससे 24 मिनट पहले का टाइम अगर निकालेंगे तो 6:00 कितना होगा, 36 मिनट होगा, यानी 6:36 पर ये एक साथ बजी थी। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। एक बात जो मैं बीच में बोल गया था वो तो आपने ध्यान दिया क्या, मिनट 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 तो मिनट ही आएगा, सेकंड सेकंड तो सेकंड। दूसरी बात, समय का एलसीएम चाहिए, ये पूछा था ना इसने कि एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगी, कितनी देर बाद का मतलब कितने समय बाद, यानी समय का एलसीएम निकालना है। समझ में मेरी बात? ओके, समय निकालना है, वो आगे पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, ठीक है, ओके। लेकिन आपको ये सवाल समझ में आ गया? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, ओके। यही तो बात होती है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में कि वो जल्दी से समझ जाता है। ये जो कोई बड़ा सवाल नहीं, बहुत ही सिंपल शॉर्ट सवाल था, ठीक है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो आपसे पूछे कि इस बार मान लो कि कितनी है भाई, 5 घड़ियाँ हैं, कितनी घड़ियाँ हैं, 5 घड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये 5 घड़ियाँ क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, है ना, 9 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक हो गया क्या, 4 ही हुई हैं भाई, और कर लो चलो 20 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, है ना। इस बार क्या है, सेकंड सेकंड सेकंड, 6 घड़ियां हैं जो 6 सेकंड, सॉरी 5 घड़ियां जो 6 8 9 15 और 20 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो ये कितने कितने समय से बजती हैं ये पूछ ले, या कोई टाइम दे देगा उसके टाइम इतना बजे बजी हैं तो उसके बाद कब बजी हैं, उसके पहले कब बजी हैं। बिल्कुल बहुत आसान, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो सबको एलसीएम निकालना आता है, ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ओके, फिर भी चलो बता देता हूँ। देखो 2 का निकाला तो 3 सेकंड आया, है ना, सेकंड को छोड़ो, एक बार 3 आया, 2 4 8 आया, 9 में भाग नहीं जाता, 15 में भाग जाता है, और 2 2 20, फिर 2 का भाग दोगे, 2 3 में नहीं जाता, 2 2 4 आएगा, 9 में नहीं जाता, 15 में 2 5 10, एक बार और 2 का जाएगा, एक संख्या देखो बची हुई, एक के लिए भी हमें तो भाग देना ही पड़ेगा रे भाई,
कहाँ जाओगे? तो तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तिया तीन पंजो और सॉरी पाँच में नहीं जाएगा। फिर आगे तीन का भाग एक बार और जाएगा, एक 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 और पाँच में नहीं जाता, छोड़ दिया। बात समझ रही है? लास्ट में पाँच का दिया, सब एक एक हो गए। क्लियर है? तो पाँच तिया पंद्रह, तिया पैंतालीस, दुनी नब्बे, दुनी एक सौ अस्सी, दुनी तीन सौ साठ, 360। आपको मैंने एलसीएम निकालने का एक सीधा तरीका समझाया था, आपको याद है वो वाली क्लास? आप रेगुलर क्लास लेते हो तो आपको सबको समझ में आता है। देखो जैसे इसमें मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, है ना, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो अपने पास छः है संख्या, एक क्या है आठ है, एक नौ है, एक पंद्रह है और एक बीस है। किस में क्या क्या है? इसमें तो दो है, मतलब अभाज्य टुकड़े ढूंढो, दो कितनी बार है? तीन बार है। इसमें क्या है? दो गुणा तीन है, है ना, दिमाग में चलना चाहिए ये बात। बात समझ में आ गया? तीन गुणा, इसमें है तीन गुणा पाँच और इसमें है चार गुणा पाँच। सबको मालूम है ना, टुकड़े सबने देख लिया। ओके, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये नौ जो होगा ना, अगर हम इस नौ को ले लेते हैं तो नौ के अंदर तीन बार तीन हो, मतलब दो बार तीन होता है, तीन गुणा तीन, तो एक एक बार तो इसी में आ जाएगा। ये वाला सब कैंसिल हो गया, यानी कि दो बार से ज़्यादा अगर कहीं है तो वो ले लेंगे, है ना। इसमें दो बार आ गया ना, तो एक वाला भी इसी में आ गया, एक वाला भी इसी में, एक एक वाले हट गए। अब दो सबसे ज़्यादा यहाँ हैं, तो एक एक वाले सब ये दो दूनी चार हटाओ, ओनली सीधा आठ लिखो। बात समझ में आ गया? अब हमारे पास पाँच यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, और कहीं ज़्यादा बार है क्या? ज़्यादा बार नहीं है, ओनली एक ही बार आएगा। तो आठ पंजो चालीस, चालीस को इससे गुणा करो, कितना आएगा? नौ, तीन सौ साठ आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे कि हाँ आठ और नौ दो लगातार संख्याओं का गुणनफल आ गया, है ना। अब इसके अंदर दो होता है वो आठ में आ गया, इसमें तीन होता है वो नौ में आ गया, इसमें तीन होता है वो नौ में आ गया, पाँच नहीं आया तो पाँच को और शामिल कर लो, यानी आठ गुणा नौ गुणा पाँच, इतना हो गया। फिर देखो इसमें क्या आता है? चार, वो आठ में आ गया, और क्या आता है? चार पंजो बीस, पाँच आता है, पाँच भी हमारा आ चुका है। बस ऐसे करके एलसीएम सिखाया था। ओके ओके, बहुत अच्छा। तो देखो इससे आगे आपने जैसे तैसे सीखा, ये 360 क्या आया है भाई? ये सेकंड है, सेकंड है तो इट मीन्स ये क्या है? सेकंड है। तो 360 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 मिनट से एक साथ बजेगी। आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज होता जाएगा, आगे से आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलते जाएंगे, इसलिए बने रहें, देखते रहें, ठीक है ना। ओके, बस आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में एलसीएम निकालना, और करना क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इस बार क्या है, छः घड़ियाँ हैं। कितनी घड़ियाँ हैं? छः घड़ियाँ, और वो दो सेकंड, है ना, चार सेकंड, छः सेकंड, आठ सेकंड, दस सेकंड और बारह सेकंड। कितना कितना? दो, चार, छः, आठ, दस और बारह सेकंड के अंतराल से बजती हैं, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछता है कि ये बताओ, चौदह मिनट में, चौदह मिनट में ये घड़ियाँ कुल कितनी बार एक साथ बजेगी? कुल कितनी बार एक साथ बजेगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालो भाई। दो, चार, छः, आठ, दस और बारह का एलसीएम निकालोगे। अभी भी बताया था, आठ के अंदर दो भी होता है, चार भी होता है, इसके अंदर दो आता है, तीन छोड़ दो, इसके अंदर देखो दो कैंसिल कर दो, लेकिन दो में पाँच भी तो इसमें, दस में क्या भी पाँच भी, तो दो तो हो गया कैंसिल, आठ में आ गया ना, आठ में दो आ गया, चार आ गया, आठ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बारह के अंदर बोलो भाई, बारह के अंदर क्या होता है? तीन गुणा चार होता है, तो चार तो आ ही गया आठ में, क्या क्या बच गया? ओहो तीन, तीन ये ले लो, चाहे ये ले लो, एक ही बार है, और कुछ बचा क्या? बोला सर एक पाँच और, तो एक तीन ले लेते हैं, इसको हटाओ, आठ तीन चौबीस पंजो एक सौ बीस। मेरी बात समझ में आई क्या? एलसीएम निकालना आया, जिसको नहीं समझ में आया वो वैसे भी निकाल सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो सीधा आ जाएगा। कहने का मतलब आपने आठ ले लिया तो जिसमें दो है वो कैंसिल हो गया, जिसमें चार है, क्योंकि आठ में चार होता है, छः वाले में दो गुणा तीन के टुकड़े हो सकते हैं, दो तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो आठ में ऑलरेडी है, यानी जो है वो नहीं लेना। बात समझ में आ रही क्या? बहुत अच्छा। चलो इसका मतलब हमारा एलसीएम जो आया वो क्या आया? 120 आया। तो ये इतनी सारी संख्या थी, इन संख्याओं का एलसीएम कितना है रे? 120। और ये सभी समय कैसे थे? सेकंड में थे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छा। हम ये कहेंगे कि 120 सेकंड से ये एक साथ बजते हैं, 120 सेकंड में 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? समय आ जाएगा दो मिनट आ जाएगा। इसका मतलब दो दो मिनट से एक साथ बजते हैं ये घड़ियाँ। सब ने ये निकाल लिया होगा। फिर इसका आंसर आपने दिया कि 14 मिनट में कितनी बार होगा, तो भाग दे देंगे भाई, 14 मिनट में दो के हिसाब से कितनी बार बजेगा?
सात बार बजेगा। बात समझ आ रही क्या? लेकिन अगर किसी का आंसर ऐसा आया है तो बाबा वो गलत है रे, वो गलत क्यों है उसको समझते हैं, है ना। जो पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं उनका सही भी होगा, लेकिन बहुत से बच्चों का जब भी मैंने पढ़ाया इसका आंसर ऐसा ही निकला। अब सब सोच रहे हैं सर सात कैसे नहीं आएगा, तो देखो एक बार इसको देखो, हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं रे बाबा, क्या होता है देखो। ये दो मिनट क्या आया है पहले ये बताओ, आप अगर यहाँ ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इन सब का एलसीएम इतने इतने समय से ये घड़ियाँ बजती हैं, तो हमने एक टाइम निकाला 120 सेकंड, यानी 120 सेकंड से ये एक साथ बजती हैं और हमें यही तो निकालना था। 120 सेकंड में किससे डिवाइड किया, 60 से, तो वो मिनट में टाइम हो गया, बाकी टाइम तो उतना ही है। 120 सेकंड बोल दो या दो मिनट बोल दो, यानी दो दो मिनट से ये घड़ियाँ एक साथ बजती हैं। ये सबको समझ में आया, इसका मतलब जब भी दो मिनट होगा फिर बज जाएंगी, फिर दो मिनट होगा फिर एक साथ बज जाएंगी, बीच में दो दो सेकंड से बज रही हैं, चार चार से अलग अलग आवाज़ आ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा फिक्स सभी एक साथ बजेंगी, और वो टाइम कौन सा होता है भाई, वो दो मिनट, यानी कि दो मिनट से। तो देखो हम कोई टाइम मानते हैं, माना कि ये सुबह 9 बजे 8 बजे कोई भी टाइम ले लो भाई, जो अच्छा लगे ले लो, हमने 9 बजे ले लिया। तो 9 बजे क्या होगा कि 9 बजे से टाइम स्टार्ट करना है और बोलना है कि 9:14 तक चेक करना है, है ना। तो आप यहाँ से टाइम स्टार्ट कर रहे हो, फिर 2 मिनट बाद बजेगा, तो 9:02 पे जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ एक बार तो एक साथ में बज ही गया। बात समझ में भाई, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे जैसे 9 बजे से, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ एक साथ बज गया वहाँ से स्टार्ट, 9 बजे, फिर 9:02 पे, फिर 9:04 पे, ये 2-4 से क्यों, क्योंकि दो दो मिनट से बजता है, अभी भी ढूंढा है ना, फिर 2-6 से, फिर 8 मिनट, और फिर 10 मिनट पे, फिर 12 मिनट, फिर 14 मिनट पे, यानी 9:00 से स्टार्ट किया एक बार, फिर यहाँ दो बार, फिर यहाँ तीसरी बार बजी है, यहाँ चौथी बार, यहाँ पाँचवीं बार, यहाँ छठी बार, यहाँ सातवीं बार, और देखो 14 मिनट तक बजेगा 8वीं बार। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो हम आपके सारे भ्रम खोलेंगे समझना, तो फिर आप बोलोगे सर वो 2 का भाग दिया तो वो 7 आया, वो क्या आया था, वो क्या चीज़ है, है ना, उसको समझते हैं। तो देखो भाई 7 जो आया था ना, ये 7 है गैप, क्या है ये गैप, गैप बोले तो अंतराल। अब ये अंतराल क्या होता है सर, अंतराल होता है भाई, ये क्या था, दो दो मिनट से बजता है, यानी ये तो बीच का टाइम लग रहा है, देखो ये 4 बजे बजा, उसके बाद में 6 पर, यानी कि 7:04 पे बजा है, फिर 6 पर बजेगा, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ये 2 मिनट का, ये गैप है ना 2 मिनट, ये बताता है ये, यानी ऐसे गैप की संख्या 7 होगी। तो देखो अपनी 5 अंगुलियाँ हैं, अगर अंगुलियाँ 5 हैं तो गैप भैया 4 ही हैं, गैप हमेशा एक कम होता है, संख्या हमेशा, देखो मैं ध्यान देना, गैप हमेशा एक कम होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, गैप हमेशा एक कम होता है अगर गैप गिनेंगे तो, और किसी भी चीज़ की संख्या अगर गिननी है ना, संख्या ठीक है, तो वो हमेशा एक अधिक होती है। बात समझिए, जैसे मैं अंगुलियों की बात करता हूँ, तो अंगुलियों की संख्या गिनेंगे ना, संख्या 5 है तो गैप मतलब 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, बीच में ये गैप कितने हैं, 4 है। अगर हम जैसे मान लो पेड़ लगाते हैं, हमने ये 1 पेड़ लगाया, हमने ये 2 पेड़ लगाया, हमने ये 3 पेड़ लगाया, 3 पेड़ लगाया, हमने कहा बीच में 5-5 मीटर की दूरी है, प्रत्येक 2 पेड़ों के बीच में 5-5 मीटर की दूरी है, तो 3 पेड़ हो गए तो 15 मीटर थोड़ी हो गया। देखो यहाँ से मीटर स्टार्ट करेंगे, 0 यहाँ लगेंगे, 0 से लेके पहला पेड़ तो 0 पर है, दूसरा पेड़ आएगा वहाँ तक 5 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर, फिर और आगे चलेंगे 5, यानी कितना हुआ, 10 मीटर ही हुआ। तो ये जो बीच का गैप है ना, वो गैप कितनी आई, देखो गैप 2 ही है, यानी कि संख्या अगर गिनना, पेड़ों की संख्या 3 है तो गैप कितने होंगे, 2 होंगे, गैप हमेशा एक कम होता है, क्लियर है। तो देखो आपके पास 7 गैप कहाँ हैं, 9 बजे से लेकर 9:02 तक बीच में ये एक गैप है, फिर 2 से लेकर 4 तक ये दूसरा गैप है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौथा गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5वां गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6ठा गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7वां गैप है, गैप 7 है। और आपने पता है क्या किस में भाग दिया था, आपने टोटल 14 मिनट में 2 का भाग दिया था, 2 क्या था, गैप था। अरे बाबा गैप का भाग दोगे तो गैप ही आएगा ना, कितने गैप आए, 7 गैप आए। अगर गैप 7 है तो बजेगा कितनी बार, कितनी बार का मतलब संख्या, संख्या तो एक ज़्यादा होता है, कितनी बार, 8 बार। ध्यान देना, आप जब भी ये सवाल निकालते हो इसको काटने पर जो 7 आया आपको उसमें हमेशा 1 जोड़ना है। मेरी बात समझ में क्या, अगर ये ऐसे पूछता ना 24 मिनट में कितनी बार बजता, तो 24 में 2 का भाग देते कितना आता रे, 12,
और 12 में एक जोड़ना यानी 13 बार बजता। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब ऐसा हुआ क्यों? आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो। देखो, सबसे पहला टाइम जो है वो 00 है, यानी तब तक 2 मिनट हुआ नहीं, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ। जैसे कि मान लो आपको ये बोलना है कि दौड़ने के लिए टाइम दिया, या फिर एक दूसरा सवाल आपने कभी सुना होगा और आप रीजनिंग की क्लास में भी उस सवाल को देखेंगे, आपके सामने आ जाएगा, है ना। सवाल क्या है कि एक आदमी के हाथ में बंदूक है, क्या है रे बंदूक, गोली चलाने ढिशकी, याद है ना बंदूक। तो आपको बोला कि वह 1 सेकंड में 1 गोली दाग सकता है, या 1 मिनट में, 1 मिनट मानते हैं, सेकंड बहुत छोटा टाइम, मुझे आपको थोड़ा लगेगा, फील नहीं आएगा, है ना, थोड़ा फीलिंग भी लानी जरूरी है। तो 1 मिनट में क्या होता है, 1 गोली दागता है वो पुरानी बंदूक का भाई। उसमें क्या करता है वो, पहले वो गोली डालता है, डालने का कई तरीका, पहले इसको ऐसे खोलता था खड़खड़, फिर उसमें गोली ठिक ठिक डाल करके, फिर उसको खड़खड़ करता था, ऐसे करता था, तो इसको बहुत प्रोसेस को टाइम लगता था। तो हम मानते हैं 1 गोली दागने में 1 मिनट का समय लगता है, अगली गोली दागेगा फिर 1 मिनट लग जाएगा। ये 1 मिनट क्या लग रहा है कि 1 गोली चलती है, अगली गोली चलती है, उसके बीच का जो टाइम है वो 1 मिनट है। तो आपको बोले कि 3 मिनट में कितनी गोली लगेगा, तो देखो सबसे पहले आपके हाथ में बंदूक होती, आपको बोला कि आपका टाइम स्टार्ट 9 बजे, तो आप जैसे ही 9 बजेंगे ना, और 9 बजते ही आपको स्टार्ट सुनना, बस स्टार्ट सुनते ही आपने गोली दाग दी, एक तो दागी दी, फिर 9 बज के क्या होगा भाई, 9 बज के 2 मिनट होगा, या सॉरी 9 बज के 1 मिनट होगा, और फिर 2 मिनट होगा, और फिर 3 मिनट, मान लो 3 मिनट का ही पूछा है, ठीक है ना। तो पहली गोली तो यहीं आ गई 00 पे, दूसरी गोली यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, मिनट 3 है लेकिन गोलियाँ कितनी हैं, 4 हैं। सबको समझ में आ रही है? अरे मिनट 3 है लेकिन गोलियां 4 क्यों? क्योंकि गैप कितने, 1 2 3, 3 गैप का मतलब गैप 3 है, संख्या कितनी होंगी, 4 होंगी, क्योंकि पहली संख्या 00 पर ही होती है। मेरी बात समझ में क्या, ये भी 00 था। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट सारा समझ में आ गया। बस ध्यान देना क्या करना है कि जो भी टाइम देता है उसमें भाग देने पर ये जो 7 आया, कितना भी आया, ये गैप आता है, ये संख्या नहीं है, इस संख्या निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते जाओ, बहुत अच्छा है ना। अब देखो, जो जो दिक्कत आती है ना वो मैं सब आपको बताऊंगा, जहां जहां बच्चा कंफ्यूज होता है सब जगह, ठीक है, छोटे छोटे सवालों की सब की बात करेंगे। इस बार देखो, इससे आगे, इस बार हमारे पास में 5 घड़ियां हैं, फिर से एक सवाल, देखो सेम नहीं है, हर सवाल में आपको नई चीज़ मिलेगी, ध्यान देना। कितनी घड़ियां भाई, 5 घड़ियां हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अगर 5 घड़ियां हैं और उनका टाइम जो है ना बजने का, वो टाइम है मान लो कि 8 सेकंड, बात समझ में आ रही क्या, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, कितनी होगी, 1 2 3, और ये चौथी और लास्ट है 20 सेकंड, ऐसा मान लिया, समझ में आ रही बात। तो 5 घड़ियां हैं, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। इस बार आपको जो टाइम दिया है ना, वो टाइम हमने दिया है मान लो कि ये कितना, 39 मिनट में, कितने मिनट में, 39 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी, एक साथ कितनी बार बजेगी, है ना, 39 मिनट में। तो देखो कैसे निकालेंगे, 8, 9, 12 इनका एलसीएम निकालेंगे, और इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा भाई कितना, 8 9 72 55 360, बाकी सब आ चुका है, ठीक है, ओके, सीधा एलसीएम कितना आया, 360 आया। ये 360 क्या है, सेकंड सेकंड सेकंड, तो 360 सेकंड मिनट में करने के लिए किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 6 मिनट आ जाएगा। बोलो आगे क्या, इसका मतलब 6 मिनट से एक साथ बजती हैं, लेकिन टाइम बहुत खतरनाक है, इस बार 39 मिनट है, तो 39 में भाग देंगे 6 का, और कितना, 6 6 36। अब यहाँ देखो कुछ कन्फ्यूजन होता है, हम प्रैक्टिकल करके लिखेंगे, एक बार सुनना, 6 6 36 हुआ, फिर कुछ बच गया, 3 बच गया, तो हमने पॉइंट लगा दिया, और फिर उसके आगे 0 30 लगा दिया, 30 में भाग देंगे 6 5 30, 6.5, बोला सर 6.5 आ गया, इसका मतलब 6.5 बार बजेंगी ये। अरे भाई 0.5 बार का मतलब क्या है, 0.5 बार भी कोई बजती है घंटी? बोला सर ऐसे बजती है, एक बार बजती है टन, फिर टन, फिर टन, ये तो हुआ पूरी पूरी बार 6 बार बज गया, फिर 0.5 का मतलब टू टू। अरे ऐसा नहीं है, अगर कोई घंटी बजती है तो वो एक बार आवाज़ आई मतलब वो पूरी ही आएगी, है ना, पॉइंट बार नहीं होता है। तो ध्यान रखना ये कैसे होगा, मैं अभी आपको करके बताऊंगा, 0.5 से मतलब नहीं। पहली बात तो देखो, जितना भाग गया
वहाँ तक ही, शेषफल बचे जाने दो। और उसमें आपको प्लस एक जोड़ना है, वो मैंने पिछले सवाल में सिखाया, तो 7 बार बचेगी। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जैसे कि इसको भी 9 बजे बजाना स्टार्ट करते हैं, कितनी देर से बजती है ये, 6-6 मिनट से एक साथ बजती हैं। तो 9 बजे, फिर 9 बज के कहाँ तक देखना है, 9 बज के 39 मिनट तक देखना है ना। तो 9 बज के फिर 6 मिनट पे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 36, 6 सात 42। बस हमें देखना था 39 तक। बात समझ में आ रही क्या, कहाँ तक देखना था भाई, 39 तक। आप देखो पहली बार यहाँ बजी, फिर देखो बीच का जो टाइम है उसमें अलग अलग टाइम पे बज रही हैं, लेकिन एक साथ बजने का टाइम कौन सा है, 6 पर। फिर बीच में बज रही हैं बीच में ये, लेकिन एक साथ नहीं बज रही। कब बजेंगी, 12 पर, फिर 18 पर, फिर 30 पर, फिर 36 पर, ऐसे आ जाएगा। अब देखो 36 के बाद मुझे बताओ, जब टाइम 37 मिनट हो जाएगा तो क्या बज जाएगी। बोला नहीं सर, अब तो ये 36 के बाद 42 पे बजेगी। अच्छा, तो अगर 38 मिनट होता तो बोला तो भी नहीं बजती, यानी एक साथ तो बज ही नहीं रही। तो आपको 36 मिनट दिया है तो भी कोई बात नहीं, 37 मिनट दिया तो भी कोई नहीं, बजी तो यहीं पर है। इसके बाद इस पर भी नहीं बजेंगी, इस पर भी नहीं बजेंगी, फिर 39 मिनट उस पर भी नहीं बजेंगी, 40 मिनट उस पर भी नहीं बजेंगी, कहाँ बजेंगी रे, आपको तो कहाँ पूछा है, 39 पूछा ना, 39 तक बजेंगी नहीं, फिर 41 और फिर 42, हाँ 42 पर जा करके दोबारा बजेंगी। इसका मतलब बीच में अगर ये मिनट आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ा, बजना तो यहीं तक तो था, तो 36 पे बजी हैं, उसके बाद ये टाइम कोई मतलब नहीं, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। मेरी बात समझ में ना, तो ध्यान देना, पूरा भाग नहीं जाए तो पॉइंटों में उत्तर मत लिख देना, बस उसमें प्लस वन करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, आपको मेरी बात समझ में आ गई है। चलो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, फटाफट। देखो एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अलग अलग बता रहा हूँ, ध्यान देना सभी बातों पे, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, सीधी बात ही है ना। अब देखो ये घड़ी का सवाल कुछ ऐसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, कई बार ऐसे पूछता है ना, कैसे, कि तीन धावक हैं, क्या है भाई, तीन धावक हैं, उनका नाम है ए बी और सी, और ये तीनों अपना अपना चक्कर 4 मिनट, 6 मिनट व 8 मिनट में पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं भाई, 4 मिनट, 6 मिनट व 8 मिनट में पूरा करते हैं, सबको क्लियर है, ठीक है। और ये कैसे कोई वर्ताकार मैदान है, कोई फील्ड है जहाँ पर ये तैयारी करते हैं दौड़ की, इस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किया और एक ही तरफ दौड़ते और ऐसे दौड़ते जा रहे हैं सारे के सारे, और दौड़ते दौड़ते क्या हो रहा है भाई, पुनः इसी बिंदु पर आएंगे। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा, कितने समय बाद ये तीनों पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। ऐसा क्यों बोला भाई, देखो सबकी स्पीड अलग अलग है, कोई 4 मिनट में अपना चक्कर पूरा करता है, जैसे ए है वो 4 मिनट, यानी कि ए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करके 4 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 10:00 पे आपने बोला दौड़ना स्टार्ट करो, तो 10:04 जब होगी तब ए वापस यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बी को कितना टाइम लगता है, 6 मिनट, यानी जब घड़ी में 10:06 होगी तब जाके बी यहाँ पहुँचेगा, तब तक तो ए आगे निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब स्पीड अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग बिछुड़ जाएंगे, तो ये वापस कब मिलेंगे रे, तो वापस मिलेंगे, देखो 4 मिनट वाला चक्कर लगाता है, 4-4 है ना ये चक्कर लगा रहा है, फिर दूसरा 6 मिनट वाला चक्कर लगा रहा है, 6:12 में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके चक्कर नोट करते हैं कि ये यहाँ पे कितने कितने समय में आता है ना। तो 4 मिनट वाला आता है 4 पर, फिर 8 पर, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ऐसे चल रहे हैं। और 6 मिनट वाला कब आ रहा है, 6 6 12 मिनट पर यहाँ पर होगा, फिर 6 3 18 पर यहाँ पर होगा, फिर 6 4 24 पर होगा, 6 5 30, और 8 मिनट वाला कितने पर आएगा, 8 पर, और 8 2 16 पर, और 8 3 24 पर, 24 मिनट। देखो वही एलसीएम है क्या, अरे भाई वही सवाल है, घड़ी की तरह गोल गोल घूम रहा है। तो 4 6 8 का भी एलसीएम क्या आएगा, 24 मिनट आएगा। मेरी बात समझ आ रही क्या, तो इसमें और उसमें कोई भी अंतर नहीं था। जब भी धावक का सवाल पूछे तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि हाँ सर ये दौड़ने वाला सवाल है, तो इसमें भी एलसीएम ही निकलेगा, किसका, समय का, ये जाना किसका, समय का, ध्यान देना है ना, समय का एलसीएम निकलेगा कि हाँ सर ये एक साथ इस टाइम पर मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आई है। चलो अभी देखो इसी के अंदर एक सवाल जो आपसे पूछा, क्या पूछा, कि एक साथ आरंभ करते हैं दौड़ना, पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, तो एलसीएम कितना है, 24, यानी 24 मिनट बाद, फिर और दौड़ते दौड़ते जाएंगे तो हर 24 मिनट से मिलते जाएंगे, ठीक है, ओके ये सवाल हुआ। अब देखो मैं इसी में आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है,
अब मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ, देखो एलसीएम कितना है भाई, 24 मिनट है ना। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस राउंड में ये चलते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, ए दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है, अलग अलग बिछुड़ गए, ये ए बी सी दौड़ना स्टार्ट किया और ये दोबारा ए बी सी यहीं आ गया है ना, तो सब ने बराबर चक्कर तो लगाए नहीं क्योंकि अलग अलग स्पीड है। ए वाला तो देखो 4 मिनट में यहाँ पे आ जाता है और बी वाला देखो 8 मिनट लगाता है। ओहो 8 मिनट में तो ए के 2 चक्कर हो जाएंगे, मेरी बात समझ में। तो इनके द्वारा चक्कर लगाए गए ना, उनका अनुपात बताओ कि भाई ये दौड़ते जा रहे हैं, अलग अलग चक्कर लगाएंगे तो ये मिलेंगे ना जिस समय ये यहाँ मिलते हैं, बात समझ में क्या, जिस समय दोबारा मिलते हैं उस समय तक सब ने अलग अलग चक्कर लगाए, तो इनके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या का अनुपात बताओ। तो भाई देखो 24 मिनट में अगर ये पुनः मिलते हैं तो 24 मिनट में ए चक्कर लगाएगा कितना, 4 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो कितना चक्कर हुआ, 6 चक्कर। बोलो सबको समझ में आया। बी की अगर बात करें तो वो भी 24 मिनट ही दौड़ेगा क्योंकि सभी 24 मिनट बाद ही मिलेंगे, तो 24 मिनट में उसने कितने चक्कर लगाए, 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी कि उसने कितने चक्कर लगाए भाई, 4 चक्कर। और सी की अगर बात करें तो 24 मिनट में 8 मिनट में चक्कर लगाता, वो तो 24 मिनट में कितने चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए। बात समझ में आ रही क्या, कितने चक्कर लगाए भाई, 3 चक्कर। तो इनके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 4 3। पहले ये सवाल पूछते थे, आजकल ये पूछते हैं, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। तो ये हमारा था एक टाइप, इससे आगे का टाइप और पढ़ेंगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम आपसे मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, साथ वाले बच्चों तक अभी तक पहुंचा नहीं है सबके पास पहुंचाओ, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू।